यूडियोमेट्री और गैस एनालिसिस, ये जो आपकी सब्जेक्ट है इसमें हम लोग गैस के वॉल्यूम्स की स्टडी करते हैं। गैस के वॉल्यूम्स पर या प्रेशर पर हम लोग मोल कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। मोल कंसेप्ट अप्लाइड ऑन प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम पे ज्यादा प्रेशर के भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो गैस के जो प्रेशर और वॉल्यूम जो है ये आपके नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे आपका हम जानते हैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो पी इज प्रोपोर्शनल टू एन, वी एंड टी आर कॉन्स्टेंट एंड वी इज प्रोपोर्शनल टू एन, पी एंड टी आर कॉन्स्टेंट। तो नॉर्मली जो गैस एनालिसिस है इसमें आप जो है कोई ऐसी रिएक्शंस होंगी जिनमें एक ना एक कंपोनेंट आपका गैस जरूर होगा, और एक ना एक कंपोनेंट आपका इसमें गैस है, और जो आपका रिएक्शन है उसमें गैसेस मिक्सचर है। तो गैस के वॉल्यूम जो होते हैं हम यू शेप यूडियोमेट्री ट्यूब होती है जिसके वॉल्यूम्स हम गैस के मेजर कर लेते हैं यू शेप यूडियोमेट्री ट्यूब से। तो उन वॉल्यूम्स को मेजर करके हम लोग जो है केमिकल इक्वेशंस पे जैसे मोल को अप्लाई करते हैं वैसे ही आपका प्रेशर को या वॉल्यूम को अप्लाई करते हैं। तो गैस एनालिसिस में आपका ये पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि हम टी को क्यों नहीं करते, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में हम जब बातें बताते हैं टेम्परेचर के टर्म्स में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पी और वी जो है ये एन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में, बट टी क्या है, एन इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई टी एट कॉन्स्टेंट पी एंड वी पर। तो आपकी ये जो है हम लोग प्रैक्टिकली यूज नहीं करते, ठीक है। तो गैस एनालिसिस की अपनी कुछ एजम्पशंस हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं जिनका हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, और उन डिस्कशन में पॉइंट्स में जो है हम इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे कि भाई गैस एनालिसिस आपका कैसे हमारे को करना है, क्या कंडीशंस है, क्या रूल रेगुलेशंस है, उन सबके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। गैस एनालिसिस में हम लोग आपका जो गैलुसॉक लॉ है उसको अप्लाई करते हैं। गैलुसॉक लॉ ये है कि भाई गैसेस जब रिएक्ट करती हैं H2 प्लस Cl2 चेंज टू HCl, तो उनके जो वॉल्यूम्स होते हैं उनमें भी आपकी सिंपल रेशियो होती है। तो आपकी जो सिंपल रेशियो होती है जैसे ये आपका वन वॉल्यूम, यहां पे वन वॉल्यूम और यहां पर टू वॉल्यूम, यहां पर इसके 20 cc, इसके भी 20 cc होंगे और इसके 40 cc बनेंगे, ठीक है। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब या ml कह लें हम लोग। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम्स को रिलेट करेंगे। हो सकता है आपका वॉल्यूम बढ़ जाए, हो सकता है वॉल्यूम गैसेस मिक्सचर का घट जाए, हो सकता है कि कुछ भी ना हो, ठीक है। ये आपका कंडीशंस वगैरह पर डिपेंड करता है कि भाई उस रिएक्शन में डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आती है। तो जो भी डेल्टा एनजी की वैल्यू आएगी, डेल्टा एनजी आपका होता है सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स ब्रैकेट में गैसियस माइनस सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो इनका जो है हम वॉल्यूम कंसीडर करते हैं। तो आपका जो ये डेल्टा जी एन जी है ये जीरो भी हो सकता है। डेल्टा एन जी का मतलब जीरो का मतलब नो चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। डेल्टा एनजी पॉजिटिव का मतलब आपका क्या होगा, एक्सपेंशन, ठीक है। डेल्टा जी एनजी का मतलब नेगेटिव मीन्स
का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जो आपका एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम एक्सपेंडेड, दैट इज होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। वॉल्यूम जहां पर कॉन्ट्रैक्ट होगा, दैट इज इक्वल टू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, ठीक है। तो वॉल्यूम चेंज को हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू को हमारे को किसी भी केमिकल रिएक्शन में ध्यान रखना पड़ेगा। एयर को आप लोग जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिक्सचर के रूप में ही मान करेंगे। और एयर जब भी रिएक्ट करेगी उसमें से ऑक्सीजन तो आपकी क्या होगी, रिएक्टिव होगी, और नाइट्रोजन को हम लोग अनरिएक्टिव कंसीडर करा देंगे। सो एयर इज द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ओनली। गैसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए नॉर्मली हम सॉल्वेंट्स का यूज करा करेंगे जिनमें गैस एब्जॉर्ब हो जाती है, जैसे CO2 है, CO2 आपकी QOH में सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो गैसेस जो है आपकी नॉर्मली जो मिक्सचर्स हैं उनमें एब्जॉर्ब हो जाया करेंगी, और उनके अकॉर्डिंग हम लोग जो है उन गैसेस का वॉल्यूम उनमें, जैसे ओजोन है आपकी टर्पेंटाइन ऑयल में एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो उनमें जो है हम उनको वॉल्यूम को एब्जॉर्ब मान लिया करेंगे। एक्स प्लस वाई बाई फोर, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। यहां पर इसको बैलेंस करें हम, तो यहां पर क्या जाएगा आपका n, और यहां पर ट्वाइस n प्लस टू बाय टू हो जाएगा आपका, ठीक है। और जो ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे उसमें क्या होगा, ये आपका n आ जाएगा, प्लस आपका ये क्या हो जाएगा n प्लस वन डिवाइड बाय टू, ठीक है। ये इस तरीके से बैलेंस होगी। यहां पर आप इसको क्या करेंगे n, और यहां पर भी क्या आ जाएगा आपका n, ठीक। तो आपकी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी यहां पर n प्लस n, n प्लस n बाई टू हो जाएगी आपकी ऑक्सीजन, ठीक। अब जैसे यहां पर है तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका n, यहां पर क्या हो जाएगा आपका ट्वाइस n माइनस टू डिवाइड बाय टू, दैट इज इक्वल टू n माइनस वन आपका हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा आपका n प्लस n माइनस वन डिवाइड बाय टू, जो भी इसका रिजल्ट है वो हम पुट कर देंगे इक्वेशन में। तो इस तरीके से हम हाइड्रोकार्बन की, एल्केन की, एल्कीन की और एल्काइन की इक्वेशन बनाएंगे। तो कहीं भी हाइड्रोकार्बन लिखा हो तो आपका ये होगा, एल्कीन के लिए इस तरीके की बना लेंगे, जो भी वैल्यूज आप फिट कर देंगे, एल्कीन है उसके लिए ये, और एल्काइन आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। तो वी हैव 10 ml ऑफ एल्केन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन है आपका, इन विच वी गेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 इज 30 ml, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्केन। सो एल्केन का जनरल फॉर्मूला आप जानते हैं भाई, CnH2n प्लस टू प्लस आपका ऑक्सीजन, दैट विल गिव CO2 प्लस H2, ठीक है। तो हमारे को अभी ऑक्सीजन और वाटर के बारे में क्वेश्चन लेना, इन दोनों का रिलेशन जो होता है, यदि आप इफ यू आर टेकिंग इट्स वन वॉल्यूम देन यू आर गेटिंग इट्स n वॉल्यूम, if you are taking its 1 ml then you are getting here 10 ml, here you have 10 ml so here you will get 10 n ml of CO2, it means 10 into n is equals to 30, then n is equals to 3, so then formula of alkane is CN H2N plus 2, so 3 प्लस एच टू इंटू थ्री प्लस टू दैट इज इक्वल टू थ्री थ्री एच एट प्रॉपेन,
इन दिस क्वेश्चन वी हैव 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड ऑन कंप्लीट कंबशन इट गिव्स 30 ml ऑफ CO2 एंड इट गिव्स वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज 40 ml. Then what should be the chemical formula of hydrocarbon? So we need to make the equation CHHY, that is a hydrocarbon plus oxygen changes to CO2 plus water. So then we need to put it X plus Y by 4, here X, here Y by 2. Okay. If it is one volume, then it is X plus Y by 4 volume. Okay. It is in liquid, so its volume is 0 and its volume is X volume. So we have 10 ml of hydrocarbon. 10 ml of hydrocarbon, it means it is 10X volume. ठीक है एंड इट इज x प्लस y बाई 4 इंटू 10 वॉल्यूम सो यू नो 10x इज इक्वल टू 30 तो x इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस y बाई 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 0 0 कैंसिल 4 एंड x इज इक्वल टू आपका 3 put it here y by 4 is equals to 4 then y is equals to 4 then your hydrocarbon is C3H4 so it is propyl so your hydrocarbon is propyl In this question, we have 10 ml of hydrocarbon and volume of oxygen is used 80 ml and after the combustion, CO2 remains 70 ml and remaining volume after absorbing CO2 is 50 ml. So normally क्या होता है कि हम hydrocarbons लेते हैं और उनका excess of oxygen में combustion कराते हैं. Excess of oxygen में combustion कराने के बाद जो भी आपके remaining volume बचते हैं उसमें CO2 होती है और एक्सेस ऑक्सीजन होती है तो CO2 का वॉल्यूम हम लोग QOH में अब्सॉर्ब करा के पता लग जाता है हम लोगों को वी कैन नो अबाउट दिस थिंग एंड ऑक्सीजन जो है दैट इज वी कैन गेट इट आल्सो फ्रॉम दिस थिंग सो इक्वेशन में यू कैन राइट CHHY प्लस X प्लस Y by 4 O2 changes to XCO2 plus y by 2 H2 that is liquid this is gas and this is gas so after the remaining volume CO2 we have 50 ml so jo hai volume of CO2 70 minus 50 that is equals to 20 ml and what is the volume of reacted oxygen That is it. Then you have reacted oxygen is equals to आपकी remaining oxygen जो है that is volume of CO2 plus excess oxygen that is equals to 70. So this is 20. So then it is 50. So reacted oxygen is 80 minus 50 that is equals to 30 ml. So if it is one volume then it is x plus y by 4 volume this is x volume and liquid ke niche humne cross kiya so this is 10 ml this is x plus y by 4 into 10 this is x into 10 that is we given you 20 Then X is equals to 2 or oxygen, reacted oxygen is equals to 30. Put the value here 2 plus Y by 4 into 10 say 0 cancel is equals to 3.
then y is equals to y by 4 is equals to 1, then y is equals to 4. Then your hydrocarbon is C3, so C2, H4, this is ethene.